मोशन इन 2D, मोशन 2D में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम लोग एस इधर इधर की बात करें, है ना, हॉरिजॉन्टल की बात करें, तो AI+BJ हो जाएगा, AI+BJ, क्योंकि सब पॉजिटिव जा रहा है। लेकिन वी वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ती है फिर कम होने लगती है, तो इस वजह से यहाँ पे ऊपर यहाँ पे नीचे चलने लगता है, तो AI-BJ हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट वही पुरानी वाली हो जाएगी, U²/2G, लेकिन इसमें हाइट की जो बात होगी वो केवल और केवल वाई कॉम्पोनेंट की हाइट लेंगे, एक्स की हाइट नहीं होगी, एक्स की हाइट 0 हो जाएगी। इस वजह से हम लोग U²I²θ2G, मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी जो होती है वो 0 हो जाती है, स्पीड जो होती है U cos θ हो जाती है, जो मिनिमम होती है। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल और स्पीड ऑफ हिट, मतलब लॉन्च और गिरने वाला, दोनों इक्वल रहता है। अपवर्ड मोशन सिमेट्रिकली डाउनलोड मोशन होता है, जैसे ऊपर गया है वैसे ही नीचे आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, वही U/G, तो U/G आपका यू नीचे का डाउन दोनों का हो जाएगा, टोटल निकालेंगे तो 2U/G हो जाएगा, लेकिन वाई का रहेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा होता है इस पर। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम, रिमेन हमेशा सेम रहता है इसमें। रेंज क्या होती है, रेंज होती है 2 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन जी। तो ये वाली वेलोसिटी तो हम लोग को पता है, ये वाला है, तो हम लोग यही वाला रख देंगे। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करें तो इसमें थीटा 10 डिग्री होगा, 10 डिग्री क्या होगा, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, वाई अपॉन एक्स। इसका एक टाइम पीरियड वो भी होता है रिलेशन रेंज का टाइम पीरियड के साथ, रेंज और टाइम क्या होगा, टाइम ये है। तो देखो इसको क्या करेंगे, ये हम लोग का टाइम होता है, तो इतना टाइम लगा लिया, तो 2 इंटू दिस अपॉन टाइम, टाइम हो गया, तो ये हो गया पूरा टाइम का रेंज UT। अगर एंगल की बात करें, एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल एनी एंगल अल्फा, अल्फा पे क्या हो जाएगा, वही अपॉन वे लिख देंगे, आ जाएगा रेंज ऑफ हाइट का रिलेशन R tan theta 4h। और मैक्सिमम रेंज चाहिए तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होगी, जो नीरज चोपड़ा ने डंडा फेंका था। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में एक लंबी सी इक्वेशन होती है, -G²(2U²cos²θ) ऐसा करके उल्टी कर देंगे, कौन सी वाली, ये वाली, इसको उल्टी कर दिया, देखो ये था, इसी को उल्टा कर दिया, यहाँ पे कॉस लगा दिया। और अब इसको ऐसे कैसे याद रखना है, Y=X tan θ 1 - XR, आर क्या हो जाएगा, आर हम लोग का रेंज हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अगर रेंज हम लोग का रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है सेम फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर रेंज सेम है प्रोजेक्टाइल उसका, तो θ = 90 - θ हो जाएगा। इफ़ द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉन्स्टेंट, 30 डिग्री 60 डिग्री सब 90 के इक्वल हो जाएगा, अगर ये 10 है तो 80 हो जाएगा, 20 है तो 70 हो जाएगा, ऐसे सेम रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव मोशन इन 2D, तो इसमें जो भी होगा माइनस में चला जाएगा, अगर अपोजिट जा रहा है, अगर साथ में जा रहा है तो प्लस में लगा लेंगे। रेन मैन प्रॉब्लम की दो होता है, या तो आदमी सीधा आदमी चल रहा हो और रेन सीधी गिर रही हो, तो ऐसा गिरेगी रेन, और जब ऐसे गिरेगी तो इसका जो थीटा होगा वही हम लोग का ऊपर नीचे रख देंगे। और हम लोग को ये कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में VM² और VR² VM² R² क्या है, ये देखो ये R² है, ये R² हो गया और ये VM² हो गया, ये जो चल रहा है, तो ये दोनों का जब हम लोग अंडर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज निकल आएगा, तो यही हम लोग का हो जाएगा वेलोसिटी या स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। दूसरी बात करें कि अगर रेन एंगल पर आ रही है, अगर रेन एंगल पर आ रही है तो हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन थीटा लेना पड़ेगा, तो VR sin θ = VM cos θ हो जाएगा। और अगर रेन अपीयर वर्टिकली, अगर वर्टिकल जा रही है तो हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे, तो VR/M = VM cos θ। अगर रिवर बोर्ड प्रॉब्लम की बात करें तो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में दो होता है, या तो उसको कम टाइम में चलना है या तो शॉर्टेस्ट पार्ट। अगर कम टाइम में चलेगा तो ड्रिफ्ट लगेगी, क्योंकि कम टाइम में चलने के लिए सीधा सीधा चलेगा, सीधा सीधा चलेगा तो ड्रिफ्ट की वजह से कोना चला जाएगा, कोने में जाने की वजह से टी टाइम कितना, जितना वो ड्रिफ्ट गया है वो अपॉन VM, ये हो गया, ये टाइम चला ये और फिर ये। और अगर वी नेट देखेंगे तो VR² - VR² + VM² वही ये था, वही ये है, ठीक है। अब ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट को निकालेंगे, तो ड्रिफ्ट को निकालने के लिए VR * टाइम कर देंगे, जितना टाइम लगा टेढ़े होने में और जितना इसकी वेलोसिटी थी वाटर की, तो
तो इसको हम लोग वी आर इंटू ये कर देंगे, और टाइम हम लोग को पता है क्या है, ड्रिफ्ट अपॉन एम, ड्रिफ्ट अपॉन वी एम अपॉन दिस, ये हो जाएगा हम लोग का टाइम मिनिमम वाला। अगर इसको शॉर्टेस्ट पाथ में चलना है तो शॉर्टेस्ट पाथ में चलने के लिए अगर वो ऐसे चलेगा तो और टाइम लगेगा, शॉर्टेस्ट के लिए उसको और उल्टी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, अगर वो ऐसे करेगा तब जाके वो प्रोजेक्टाइल से शॉर्टेस्ट पाथ में चला जाएगा। तो उसके लिए क्या है, वही वी एम साइन थीटा, ये देखो वही बात हो रही है, ये अगर ये ऐसे चलेगा, बारिश ऐसे चल रही है तो ऐसे करना है कि पूरा वो एकदम सीधे चले जाए। अगर जैसे इधर मैं चल रहा हूँ लेकिन हवा इधर चल रही है तो मैं टेढ़ा निकल जाऊँगा, यूँ चला जाऊँगा तो पहुँच जाऊँगा। तो सेम वही रख देंगे, ये वाला भी ऐसे ही रहेगा। फाई पूछा जाता है कि तुम्हें सीधे सीधे चलने में इतना टाइम लगा और घुमा दिया, तो ये पूरा डिग्री जो फाई होता है 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा होता है टाइम ऑफ क्रॉस अलॉन्ग शॉर्टेस्ट पार्ट, शॉर्टेस्ट पार्ट। तो टी जो टी टाइम होता है वो ड्रिफ्ट अपॉन वी एम कॉस थीटा होता है, वी एम कॉस थीटा मतलब सीधे वाला, और नेट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करें तो वी एम कॉस थीटा होगा, क्योंकि ग्राउंड में तो यही वाली चल रही है, साइन थीटा वाली थोड़ी ना चल रही है। इसी के साथ ये वाला भी चैप्टर खत्म।